सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में मैं आपको गरारा की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ। पहले के वीडियो में मैंने आपको इसकी टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताई थी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गरारा को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने पैंट की कटिंग कर लेते हैं और नीचे जो उसमें फ्रिल ऐड होगा ना, फिर वो कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें पैंट की लंबाई ली हुई है लगभग 12 इंचेस की। ऊपर 1.5 इंचेस पे हमें मार्क करना है जो हमारा यहाँ पे बेल्ट बनेगा, ठीक है। और इसके बाद अब हमारा यहाँ बसता है 10.5 इंचेस। यहाँ से अब हम ले लेंगे 7 इंचेस। 5 इंचेस हमारा फिटिंग है, 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम ताकि हमारा ये जो कमर है ना वहाँ पे थोड़ा ढिलाई रहे, और इसे नीचे हम बढ़ा लेंगे 9 इंचेस तक। और इस तरह से एक बॉक्स बना के यहाँ पे 2 इंचेस पे इस तरह से मार्क करना है, और फिर यहीं से हमें इस तरह से कर्व शेप दे देना है। अब आपकी थाई की जितनी फिटिंग है ना, यहाँ पे आप उससे लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा लें और यहाँ पे मार्क कर लें। मैं 6 इंचेस ले रही हूँ और यहाँ इस तरह से हम लाइन को यहाँ तक मिला लेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो ये हो चुका है हमारा पैंट का कटिंग, और अब इसकी जो करारा है उसकी कटिंग हम करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पे इस तरह से कपड़े को 2 फोल्ड करके लिया हुआ है। जितनी आपको प्लीट देनी हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने नीचे वाली हिस्से की चौड़ाई रखें। तो दोनों साइड्स के लिए हमने यहाँ पे कपड़े को रखा है, और इसका जो लेंथ है वो हमने 12 इंचेस का रखा है। तो हमने 22 इंचेस का रखा हुआ है। अब चलिए एक एक करके दोनों में हम इसे तैयार करते हैं प्लीट्स लगा करके। तो एक पार्ट को हमें यहाँ पे लेना है अपनी पैंट का, और यहाँ हमने जो हमें चून बनानी है ना वो नीचे वाले हिस्से का एक हिस्सा लेना है, और इसे हम इस तरह से यहाँ पे बैठाएंगे, और साथ ही साथ इसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए जाएंगे। अगर आपसे डायरेक्ट प्लीट नहीं बनती है ना तो आप इसमें पहले अलग से इसमें प्लीट्स तैयार कर लें और फिर इसे इस तरह से पैंट में अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारा जो करारा है, टोटल इसकी लेंथ होगी बनकर तैयार होगी 22 इंचेस की। आप इससे अपने कम ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ एक तरफ को मैंने तैयार कर लिया है, नीचे की साइड को हमें इस तरह से फोल्ड करके सिल लेना होगा। तो इसी तरह से मैंने दोनों साइड्स को तैयार कर लिया है। अब एक पे एक हमने यहाँ पर रखना है। सीधी साइड हमारे अंदर साइड है और इस तरह से हमें इसे तैयार करना है। यहाँ जिस तरह से हमने अपने पजामा में डोरी के लिए हमने जगह छोड़ते हैं ना, उस तरह से इसमें भी जगह छोड़नी है हमें। और इसमें मैं डोरी लगाने वाली हूँ, इलास्टिक नहीं लगाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट इलास्टिक भी लगा सकते हैं। और फिर हम इसे यहाँ पे जो हमने जगह छोड़ा था ना वहाँ के लिए कपड़े को हमें इस तरह से सिलते हुए जाना है। तो ये हो चुका है हमारा यहाँ पे अच्छे से रेडी। ये देखिए, थोड़ा सा हमने मार्जिन रख लिया है, और अब हम इसे दूसरे साइड से भी पूरे को सिल के तैयार कर लेंगे। तो ये हो चुका है सिलाई। अब हम इसे इस तरह से सेंटर लेंगे और फिर यहाँ पे इसे मिलाते हुए पूरे को सिल लेंगे। तो ये हो चुका है हमारा तैयार, और ऊपर की साइड को बस हम अपनी इस तरह से फोल्ड करते हुए सिल लेना है। सो इस तरह से हमें यहाँ पे अपनी बेल्ट के लिए सिलाई कर लेनी है। तो बहुत ही आसानी से ये करारा इस तरह से बन के रेडी हो जाता है।
सो होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। सो इसके ये जो टॉप पार्ट मैंने बनाया है ना, अगर आपने उसकी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। और आपको अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या देखना है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।